लकड़गंज थाना क्षेत्र में एक दरगाह में बजने वाले डीजे को लेकर दो गुटों में घमासान हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार लकड़गंज थाना क्षेत्र के जूनी मंगलवारी हत्यनाला रोड सैयद बाबा दरगाह के सामने रहने वाले शेख फैजान शेख इस्माइल और कुनाल टाकलीकर तथा राइन शेख सलीम शेख अपने मोहल्ले में स्थित सैयद बाबा दरगाह की साफ सफाई कर ताजुद्दीन बाबा की 26वीं के मौके पर खीर बांटने की तैयारी कर रहे थे। इस दौरान ये लोग दरगाह के पास साउंड सिस्टम पर कवाली बजा रहे थे। तेज आवाज के कारण दरगाह के समीप ही रहने वाले राकेश रामदास बोरीकर व उनके भाई सतीश रामदास बोरीकर वहां पहुंचे तथा साउंड सिस्टम बंद करने को कहा। शेख फैजान ने थोड़ी देर के बाद बंद करने की बात की तो बोरीकर बंदूक भड़क गए तथा गाली गलौज कर लोहे की रॉड व फावड़े से शेख फैजान के मित्र राइन शेख सलीम शेख के सिर पर प्रहार कर उसे घायल कर दिया। अन्य दो लोगों के हाथ व कमर पर वार कर उन्हें घायल कर दिया। लकड़गंज पुलिस द्वारा बोरीकर बंदूकों के खिलाफ विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। मंगलवारी हत्तीनाला जवळ एक दरगाह आहे, त्या ठिकाणी काही मुलं बाबा ताजुद्दीन यांची 36वी असल्याकारणाने खीर वाटप करण्यासाठी साफसफाई करून साऊंड सिस्टीमवरती कव्वाली वगैरे वाजवत होते। तर ती कव्वाली वगैरे वाजवत असताना यातील जे काही आरोपी आहेत दोन, या आरोपींनी त्यांना जाऊन सांगितलं की कव्वाली वाजवणं बंद करा, त्रास होत आहे। तर त्यांनी सांगितलं की आम्ही थोड्या वेळाने साऊंड सिस्टीम बंद करतो आणि नंतर कार्यक्रमाला सुरुवात करतो। या कारणावरून या गुन्ह्यातील जे आरोपी आहेत राकेश बोरीकर आणि सतीश बोरीकर या दोघांनी मिळून लोखंडी फावडा ने त्या जो कोण फिर्यादी आहे शेख फैजान शेख इस्राईल याच्या मित्राला जबर मारहाण केली, त्याच्यामध्ये तो जबर जखमी झाला। तसेच फिर्यादी शेख फैजान शेख इस्राईल हे आणि त्यांचे इतर दोन मित्र यांना त्यामध्ये किरकोळ मार लागला। गुन्ह्यातील दोन्ही आरोपींना काल रात्री 9 वाजता अटक करण्यात आली आहे। कॅमेरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागडे के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, इन BCN न्यूज नागपूर।